हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी वेब पेज में एक HTML हेड टैग का क्या यूज़ होता है। हेड टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है। इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो है टाइटल टैग, जो बताता है किसी भी वेब पेज में उसका टाइटल क्या होगा, जो एक पेज को डिस्क्रिप्टिव और थोड़ा आई कैंडी लुक प्रोवाइड करता है। दूसरा एलिमेंट है लिंक, जो हमें बताता है कि कैसे हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने वेब पेज के अंदर इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तीसरा एलिमेंट है बेस, जो बताता है कि किसी भी एंकर टैग का डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगा अगर उस एंकर टैग का कोई भी href नहीं सेट किया गया है तो। फोर्थ वन इज स्टाइल, जो हमें बताता है कि कैसे हम एक स्टाइल को स्पेसिफिक टैग में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा एलिमेंट होता है मेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हेड टैग का, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, इसकी इंफॉर्मेशन को दूसरे सर्च इंजन यूज़ करते हैं हमारे वेब पेज तक पहुँचने के लिए। छठा एलिमेंट होता है स्क्रिप्ट, जो बताता है कि कैसे हम एक दूसरी स्क्रिप्ट फाइल को अपने पेज में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, जैसे एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, कैसे हम उसको अपने फाइल के अंदर ला सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, एक HTML फाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल हेड डॉट HTML। इसको हम सेव कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। HTML से HTML पेज की स्टार्टिंग होती है। इसके अंदर सबसे पहला जो टैग आता है वो है हेड टैग। अब देखते हैं इस वेब पेज का कैसा लुक होगा। ये देखिए, डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम है वो टाइटल बार पर शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो हमें टाइटल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लिखते हैं टाइटल माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। अगर अगर हमें अब एक दूसरी CSS फाइल जो ये है, जिसमें बॉडी कलर को एक्वा सेट किया गया है, इसको कॉल करना है, तो हम लिखेंगे लिंक REL, जिसका फॉर्म मतलब है रिलेशन, क्या रिलेशन हम लगाना चाहते हैं स्टाइल शीट का, और उसका HTML, वो फाइल कहाँ पर है, उसका लोकेशन डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में है मेरे, इन केस देन लेट्स सी वर्क कर देना। उप्स, इट वर्क्स। द थर्ड एलिमेंट इज स्टाइल, स्टाइल टैग, कैसे हम एक एलिमेंट के अंदर स्टाइल लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक एलिमेंट बनाया H1, दिस इज द बेस्ट टूटोरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसका कलर ग्रीन करना है, तो हम लिखेंगे स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल, ओपन क्लोज सेलेक्टर H1, हम कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, कलर ग्रीन एंड लुक इट बिकम ग्रीन। नाउ थर्ड नेक्स्ट बेस कम्स हियर। इफ यू डिक्लेयर एंकर टैग ए HTML इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स लीव इट, गो टू होम पेज, एंड सेकेंड इज अगेन गो टू होम पेज। बाई डिफॉल्ट भी हमने का कोई भी HTML नहीं दिया है, लेट्स सी ये क्या करता है। गो टू, उप्स, डजन डू एनीथिंग, क्योंकि हमने इसका कोई HTML दिया ही नहीं है। आइए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बेस क्लास का, बेस टैग का, बेस HTML इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल HTTP डॉट गूगल डॉट कॉम। अब ये हमें गूगल डॉट कॉम पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ये द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड दिखा देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसी पेज पे खोल दे रहा है। अगर हमें किसी दूसरे पेज पे नई टैब में खोलना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेस
टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये जो भी लिंक हमने दिया है उसे नेक्स्ट पेज में ओपन करेगा, www.google.com। अगेन गो टू होम पेज, अगेन इट ओपन। नाउ वी हैव लर्न फोर्थ, नाउ कम्स द मेटा टैग। हाउ वी कैन यूज मेटा टैग टू टेल अदर सर्च इंजन टू ऑप्टिमाइज आवर पेज। सबसे पहले हम लिखते हैं मेटा, देन कीवर्ड। कौन कौन से कीवर्ड होंगे जिनकी वर्ड जिनकी हेल्प से कोई भी सर्च इंजन हमारे पेज तक पहुंच पाएगा, जैसे ट्यूटोरियल, HTML, CSS एंड ऑल दैट सेपरेटेड बाई कॉमास। इनका यूज़ करके हम किसी भी सर्च इंजन को बता सकते हैं कि हम तक कैसे पहुँचे। और जैसे हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन के लिए मेटा टाइटल इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इज इक्वल टू दिस इज अ चैनल। ये हमारे पेज का डिस्क्रिप्शन होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हमें एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लानी है, जैसे जावा स्क्रिप्ट लानी है, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सेव कर लेते हैं js.js, javascript.js। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अलर्ट इट बॉक्स। अब इसको हम कॉल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी कर सकते हैं हम, एक टॉप एंड और क्लोज टैग दोनों होता है। इट वर्क्स, हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल हमारे यहाँ पर आ गई। देखते हैं सारे एलिमेंट कवर हुए कि नहीं। टाइटल डन, लिंक डन, बेस डन, मेटा डन। तो हमने सारे एलिमेंट सीख लिए कैसे काम करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा।